स्टडी 24 उदयपुर में आप सभी का स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम 12th इकोनॉमिक्स का फोर्थ चैप्टर कंटिन्यू करेंगे, पूर्ण प्रतिस्पर्धा में फर्म का सिद्धांत। आज की इस क्लास में हम फर्म के पूर्ति वक्र के कौन कौन से निर्धारक तत्व हैं और दूसरा बाजार पूर्ति वक्र क्या होता है, इन दोनों अवधारणाओं को हम समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले अगर हम पूर्ति वक्र की बात करें तो पूर्ति वक्र एक तरह से क्या दर्शाता है कि कोई भी फर्म या उत्पादक किसी वस्तु की विभिन्न कीमतों पर कितनी मात्रा बेचना चाहेगी। अगर हम बात करें फर्म के उद्देश्य की, उत्पादक के उद्देश्य की, फर्म जो उत्पादन करती है उसका उद्देश्य क्या होता है, अधिकतम लाभ कमाना। इसलिए फर्म का क्या प्रयास रहता है कि जब वस्तु की कीमत ज़्यादा होती है तो वो क्या करेगी, ज़्यादा मात्रा बेचना चाहेगी। सप्लाई क्या होती है, बढ़ती हैं। वस्तु की कीमत और पूर्ति के बीच में किस प्रकार का संबंध पाया जाता है, धनात्मक संबंध। जैसे जैसे कीमत क्या होती है, बढ़ती है। माना कि हम कुछ काल्पनिक संख्या ले लेते हैं, वस्तु की कीमत कितनी है, 1 रुपये, 2 रुपये, 3 रुपये, 4 रुपये, बढ़ती हुई हमने कीमत ली है। तो जैसे जैसे वस्तु की कीमत बढ़ती है तो कोई भी फर्म क्या करेगी, वस्तु की ज्यादा मात्रा बेचना चाहेगी। हम यहां पे कुछ काल्पनिक संख्या ले लेते हैं, माना कि जब वस्तु की कीमत 1 रुपये है उसमें फर्म 10 इकाइयां बेचना चाहती हैं। पूर्ति की मात्रा कितनी है, 10 इकाइयां। जब कीमत 2 रुपये होती है, ज्यादा है, तो ऊंची कीमत पर फर्म क्या करेगी, ज्यादा मात्रा बेचना चाहेगी। हम मान लेते हैं 10 से ज्यादा इकाई, हम मान लेते हैं कितनी है, 20 इकाइयां। अब वस्तु की कीमत माना कि और अगर ज्यादा होती है, 3 रुपये होती है, तो फर्म क्या करेगी, और ज्यादा मात्रा बेचना चाहेगी। 20 से ज्यादा हम कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है, माना कि वो 30 इकाई बेचना चाहती हैं। कीमत अगर 4 रुपये होती है तो माना कि फर्म कितनी पूर्ति करने को तैयार है, 40 इकाइयां। तो यहां पर अगर हम देखें वस्तु की कीमत और पूर्ति के बीच में किस प्रकार का संबंध है, धनात्मक संबंध होता है। इसलिए पूर्ति वक्र का आकार कैसा बनेगा, ऐसा ऊपर की ओर बढ़ता हुआ। अब देखिए ये जो फर्म का पूर्ति वक्र होता है इसे कौन कौन से तत्व निर्धारित करते हैं, ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, फर्म द्वारा किसी वस्तु की जो पूर्ति की जा रही है, फर्म के द्वारा किसी वस्तु की मात्रा का जो विक्रय किया जा रहा है, वो ज़्यादा मात्रा का विक्रय किया जाएगा या कम मात्रा का विक्रय किया जाएगा, उसे कौन कौन से तत्व प्रभावित करते हैं। अच्छा, इससे पहले हमको ध्यान रखना है कि पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि फर्म का जो पूर्ति वक्र होता है, अल्पकालीन समय में अगर हम देखें तो जो फर्म की औसत परिवर्तनशील लागत होती है ए वी सी, और ये हमारा सीमांत लागत वक्र होता है। तो सीमांत लागत वक्र का वह भाग जो ए वी सी औसत परिवर्तनशील लागत से ऊपर होता है, मतलब ये वाला जो हमारा सीमांत लागत वक्र का भाग है वो किसको दर्शाता है, पूर्ति वक्र को दर्शाता है, ठीक है। पूर्ति वक्र एक तरह से क्या होता है, सीमांत लागत वक्र का भाग होता है। तो जो तत्व, जो कारक सीमांत लागत को प्रभावित करते हैं वही क्या करेंगे, पूर्ति वक्र को निर्धारित करेंगे। तो हमारे कोर्स में ऐसे 3 टॉपिक हैं, 3 तत्व हैं, 3 कारक हैं जो पूर्ति वक्र को निर्धारित करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रौद्योगिकी प्रगति, ठीक है। प्रौद्योगिकी प्रगति का मतलब क्या हो गया, तकनीकी, एक फर्म के द्वारा नई तकनीक का अगर प्रयोग किया जाता है, तकनीकी प्रगति होती है, नई तकनीक का प्रयोग अगर किया जाता है तो पूर्ति पे क्या प्रभाव पड़ेगा। अब देखिए कोई भी फर्म अगर वस्तुओं का उत्पादन करती है तो उत्पादन करने के लिए क्या करना पड़ता है, उससे विभिन्न साधनों का प्रयोग करना पड़ता है। हम मान लेते हैं कि फर्म क्या करती है, किसी वस्तु की 100 इकाइयों को बनाने के लिए 2 साधन कौन कौन से, पूंजी और श्रम का प्रयोग करती है। माना कि वो 10 इकाई श्रम का प्रयोग करती है और 5 इकाई पूंजी की प्रयोग करती है। अब माना कि अर्थव्यवस्था में या फर्म क्या करती है, नव परिवर्तन को अपनाती है, नए जो आविष्कार होते हैं, नई जो टेक्नोलॉजी आती है, नई तकनीकी होती हैं उसको अपनाती है। अब यहाँ पे नई टेक्नोलॉजी अपनाने का मतलब क्या हो गया कि फर्म श्रम और पूंजी की उसी मात्रा का प्रयोग करके, ठीक है, श्रम की पहले 10 इकाइयों का प्रयोग किया जा रहा है, अभी भी वो 10 इकाइयों का प्रयोग कर रहे हैं, पूंजी की वो 5 इकाइयों का प्रयोग करके अगर वो नई टेक्नोलॉजी अर्थव्यवस्था में जो नया परिवर्तन हुआ है उस नए परिवर्तन को
अपनाती हैं, इससे क्या होगा, सीमांत लागत कम हो जाएगी। सीमांत लागत कम होने का मतलब क्या हो गया, अब नव परिवर्तन अपनाने से फर्म क्या करेगी, श्रम और पूंजी की उन्हीं इकाइयों का प्रयोग करके वो ज्यादा उत्पादन कर सकती है। माना कि कितना उत्पादन कर सकती हैं, 120 इकाइयों का, ठीक है, हमने अंदाज से कुछ भी लिखा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि यदि फर्म के द्वारा नव परिवर्तन को अपनाया जाता है तो इससे लागत क्या होती है, घटती है। और लागत घटने का मतलब क्या हो गया, फर्म के द्वारा जो वस्तु की पूर्ति की जा रही है वो एक तरह से क्या होगी, बढ़ेगी। और पूर्ति अगर बढ़ती है तो इससे हमारा जो पूर्ति वक्र है वो क्या होगा, दाहिनी ओर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, जो क्या दर्शाता है कि फर्म अब क्या करती है, वस्तु की दी हुई कीमत पर वो क्या करेगी, ज्यादा मात्रा की पूर्ति करेगी। ठीक है, इसको हम एक रेखा चित्र के द्वारा समझ लेते हैं। ठीक है, ये फर्म का पूर्ति वक्र है और वस्तु की कीमत कितनी, माना कि ओ से लेकर पी है, उस समय फर्म के द्वारा कितनी पूर्ति की जा रही है, ओ से लेकर क्यू। अब माना कि फर्म क्या करती है, नव परिवर्तन को अपनाती है, जिससे पूर्ति वक्र क्या होगा, दाहिनी ओर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, ये हमने दाहिनी ओर शिफ्ट कर दिया। अब दाहिनी ओर शिफ्ट होने का मतलब क्या हो गया, फर्म उसी ओपी कीमत पर, ठीक है, पहले जो ओपी कीमत थी उसी ओपी कीमत पर अब क्या कर रही है, वो क्यू से Q1 मात्रा, ठीक है, इतनी ज्यादा मात्रा बेच रही है, पूर्ति ज्यादा कर रहे हैं। तो प्रौद्योगिक प्रगति से एक तरह से क्या होता है, फर्म के द्वारा जो वस्तु की पूर्ति की जाती है वो अधिक पूर्ति करेगी, उसी कीमत पर फर्म अधिक पूर्ति करेगी। यदि अर्थव्यवस्था में फर्म के द्वारा प्रौद्योगिक प्रगति को अपनाया जाता है, नव परिवर्तन को अपनाया जाता है, ठीक है, नव परिवर्तन से क्या होगा, लागत में कमी आती है। इसी तरीके से दूसरा जो हमारा तत्व है वो कौन सा है, आगत कीमतें, इनपुट प्राइस। ठीक है, इनपुट प्राइस का मतलब क्या हो गया, फर्म के द्वारा उत्पादन करने के लिए विभिन्न साधनों का प्रयोग किया जाता है, जैसे श्रम का प्रयोग किया जाता है तो श्रम की कीमत को हम क्या कहते हैं, मजदूरी कहते हैं। पूंजी का प्रयोग किया जाता है तो पूंजी की कीमत को हम क्या कहते हैं, ब्याज कहते हैं। तो ये एक तरह से क्या होते हैं, आगत की कीमतें होती हैं। तो जब फर्म के द्वारा वस्तु का उत्पादन किया जाता है तो इन उत्पादन के साधनों का प्रयोग किया जाएगा, और इन साधनों की कीमतें अगर बढ़ जाती हैं, ठीक है, आगत की कीमत अगर बढ़ जाती है, इसका मतलब क्या है, साधनों की कीमत बढ़ जाए, तो साधनों की कीमत बढ़ने से क्या होगा, उत्पादन लागत बढ़ जाएगी। और उत्पादन लागत बढ़ने का मतलब क्या हो गया, फर्म का जो लाभ है वो एक तरह से क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, उत्पादन लागत बढ़ने का मतलब हम कह सकते हैं कि सीमांत लागत बढ़ जाएगी, फर्म का जो लाभ है वो एक तरह से क्या होगा, कम होगा। इसका मतलब अब फर्म क्या करेगी, लागत बढ़ने से लाभ कम हो रहा है इसलिए वो कम पूर्ति करेगी। तो जो पूर्ति वक्र है वो क्या होगा, बाईं ओर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसे इस डायग्राम अगर हम देखते हैं, ये फर्म का पूर्ति वक्र है, ठीक है, इसमें वस्तु की कीमत कितनी है, ओ से लेकर पी है, उस समय फर्म के द्वारा पूर्ति कितनी की जा रही है, ओ से लेकर क्यू। अब हम मान लेते हैं कि उत्पादन के जो साधन हैं, जिनको हम आगत भी कह सकते हैं, वो महंगे हो जाते हैं, उनकी कीमत क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो साधनों की कीमत बढ़ने से क्या होगा, सीमांत लागत बढ़ जाएगी, फर्म का लाभ कम हो जाएगा, इसलिए फर्म क्या करेगी, अब कम मात्रा में पूर्ति करेगी, जिससे क्या होगा, पूर्ति वक्र बाईं ओर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, यहां पर अगर हम देखें तो अब फर्म पूर्ति कितनी कर रही है, क्यू से Q1, इतनी मात्रा उसने कम कर दी है। तीसरा जो तत्व प्रभावित करता है वो कौन सा है, प्रति वक्र पर इकाई कर का प्रभाव। ठीक है, पूर्ति वक्र है यहाँ पे, पूर्ति वक्र पर इकाई कर। अच्छा, इकाई कर का मतलब क्या होता है, सरकार के द्वारा जो टैक्स लगाया जाता है वो वस्तु की प्रति इकाई के हिसाब से लगाया जाता है। हम मान लेते हैं कि फर्म के द्वारा अगर 100 इकाइयों का उत्पादन किया जा रहा है, ठीक है, वस्तु की, जैसे 100 मोबाइल बनाए गए हैं और एक मोबाइल पर टैक्स कितना लगाती है, माना कि सरकार 10 रुपए, तो 100 मोबाइल पर टैक्स कितना लगेगा, 100 × 10 कर दिया, ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा, 1000। तो इकाई कर का मतलब क्या हो गया, वस्तु की प्रति इकाई पर अगर कर लगाया जाता है तो कर लगाने से क्या होगा, उत्पादन की लागत बढ़ जाएगी, ठीक है, सीमांत लागत बढ़ जाएगी, और इससे क्या होगा, पूर्ति जो है वो कम हो जाएगी। ठीक है, इसको हम इस डायग्राम से समझ सकते हैं। इस डायग्राम में अगर हम देखें तो इस डायग्राम में बता रखा है कि फर्म का जो पूर्ति वक्र है ये है, ठीक है, ओ पी कीमत है, उसमें फर्म इतनी मात्रा बेच रही है। अब सरकार के द्वारा अगर प्रति इकाई कर लगाया जाता है, इकाई कर लगने से क्या होगा, उत्पादन की लागत बढ़ जाएगी, सीमांत लागत बढ़ जाएगी, जिससे पूर्ति क्या होगी, कम हो जाएगी। अब फर्म क्या करेगी, उसी कीमत पर कम मात्रा वो बेचेगी, क्योंकि फर्म का लाभ एक तरह से क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो ये तीन तत्व हो गए हैं जो क्या करते हैं, पूर्ति वक्र को निर्धारित करते हैं।
फिर दूसरा जो हमारा टॉपिक इसमें वो है बाजार पूर्ति वक्र। ठीक है, बाजार पूर्ति वक्र का मतलब क्या हो गया, कि अर्थव्यवस्था में बाजार में जितने भी उत्पादक हैं विभिन्न कीमतों पर वो कितनी मात्रा बेचने के लिए तैयार है। मतलब बाजार में जितने भी उत्पादक हैं, जितनी भी फर्में हैं, सभी फर्मों के द्वारा विभिन्न कीमतों पर कितनी मात्रा विक्रय की जाती है। अब हम मान लेते हैं कि अर्थव्यवस्था में जैसे दो फर्में हैं। ठीक है, एक फर्म है फर्स्ट फर्म एक, दूसरी फर्म हमारी हो गई फर्म टू। अगर बाजार में दो फर्में हैं, ठीक है, दोनों फर्मों के द्वारा जो पूर्ति की जाएगी वो क्या हो जाएगी, बाजार पूर्ति हो जाएगी। अगर दो से ज़्यादा फर्में, जितनी भी फर्में हैं उन सभी के द्वारा जो पूर्ति की जा रही है विभिन्न कीमत पर, उनको हम क्या कहते हैं, बाजार पूर्ति। तो यहाँ पर हम उदाहरण में मान लेते हैं कि बाजार में कितनी फर्में हैं, दो फर्में हैं। ठीक है, जो ए फर्म है, दूसरी हमारी हो गई बी फर्म हो गई है। जब वस्तु की कीमत 1 रुपये है उसमें ए फर्म कितने मात्रा बेचती हैं, 10 इकाई। बी कितनी बेचती है, माना कि 20 इकाई। 2 रुपये कीमत पर ये ए फर्म कितनी मात्रा बेचती हैं, 12 इकाई, और बी फर्म कितनी बेचती है, माना कि 25 इकाई। जब कीमत 3 रुपये होती है तो उसमें ए फर्म कितना बेचना चाहती हैं, माना कि 15 इकाई। बी कितना बेचना चाहती हैं, माना कि 30 इकाई। तो ये क्या है, व्यक्तिगत पूर्ति है। ठीक है, और बाजार पूर्ति का मतलब क्या हो गया, बाजार में जितनी भी फर्में हैं सभी फर्मों के द्वारा पूर्ति। अगर दो फर्में हैं तो दोनों फर्मों के द्वारा जो पूर्ति की जा रही है उसके योग को हम क्या कहेंगे, बाजार पूर्ति कहेंगे। तो जब वस्तु की कीमत 1 रुपये है उसमें बाजार पूर्ति कितनी है, तो दोनों फर्मों की पूर्ति को जोड़ लीजिए, 10 + 20 करेंगे कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। जब कीमत 2 रुपये है उसमें बाजार पूर्ति कितनी है, 12 + 25 कर दिया, 37 आ गया। जब कीमत 3 रुपये है उसमें बाजार पूर्ति कितनी है, 15 + 30 कर दीजिए, 45। तो ये हमारे पास में क्या आ गया, बाजार पूर्ति आ गया। अब देखिए इसको अगर हम एक डायग्राम से समझें, तो ए फर्म का अगर हम डायग्राम बनाएंगे तो ए फर्म का जो डायग्राम है वो किस तरीके से बनेगा, ये हमारा ए फर्म का हो गया। ठीक है, जब कीमत इतनी है उस समय वो इतनी मात्रा बेचना चाहती हैं, जब इस इतनी कीमत है उसमें इतनी मात्रा, इतनी कीमत अलग अलग कीमतों पर कितनी मात्रा वो बेचना चाहती हैं। दोनों फर्मों का हमने अलग अलग पूर्ति वक्र बना दिया, ये हमने बी फर्म का बना दिया, और दोनों फर्मों के पूर्ति वक्रों को अगर हम जोड़ लेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, बाजार पूर्ति वक्र आ जाएगा। ठीक है, जो भी हमने सारणी बनाई थी उन्हीं सारणी का प्रयोग करके हम ऐसा रेखाचित्र बना सकते हैं। ठीक है, जब वस्तु की कीमत 1 रुपये है उसमें ए फर्म कितना बेच रही है, बी फर्म कितना बेच रही है, बी फर्म का हम अलग बना लेंगे, और जो टोटल संख्या ली थी उसका हम लेके अलग बना सकते हैं। इस तरीके से हमारे पास में क्या बन जाएगा, बाजार पूर्ति वक्र। अब देखिए फर्मों की संख्या अगर स्थिर है तो पूर्ति वक्र हमारा ये रहेगा। ठीक है, लेकिन जब अर्थव्यवस्था में क्या होता है, फर्मों की संख्या अगर बढ़ जाती है तो फर्मों की संख्या बढ़ने से क्या होगा, बाजार पूर्ति बढ़ जाएगी। ठीक है, जिससे पूर्ति वक्र क्या होगा, दाईं ओर शिफ्ट हो जाएगा। इसी तरीके से अर्थव्यवस्था में अगर फर्मों की संख्या कम हो जाती है तो जो हमारा पूर्ति वक्र है वो क्या होगा, बाईं ओर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, पूर्ति क्या होगी, कम होगी। तो आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम इसका लास्ट वाला जो पार्ट है, पूर्ति की लोच क्या होती है, उसको हम डिस्कस करेंगे।